प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगरौली में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत घर मिलने पर हितग्राही से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और नए घर में प्रवेश की शुभकामनाएं दी। इस दौरान योजना का लाभ पाने वाले हितग्राही ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। बैणन जनपद के गडेरिया ग्राम के निवासी प्यारे लाल यादव ने पीएम आवास योजना के तहत मिले घर में प्रवेश किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राही को शुभकामनाएं दी और पूछा कि योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्या किसी ने रिश्वत की मांग की। इस पर हितग्राही ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। प्यारे लाल ने लॉकडाउन के चलते बच्चों की पढ़ाई को लेकर पीएम से चिंता जाहिर की है। इस दौरान विधायक सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री महोदय जी के माध्यम से आज हमारे घर का गृह प्रवेश किए और हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है और सब भी धन्यवाद। सर, हमने सोचा था कि सबको मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो मध्य प्रदेश में 1,73,000 जो आवास बने हैं उनका आज गृह प्रवेश कार्यक्रम था। उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 3 जिलों से संवाद किया था, उनमें से सिंगरौली जिले के हितग्राही हैं, उनसे भी संवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। बड़े हर्ष की बात है, आज मेरे विधानसभा देवसर में गड़रिया पंचायत जैसे हमारे हितग्राही प्यारे लाल जी को आवास योजना का लाभ, जिसमें माननीय मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार आवास को लेकर हमेशा, आज भी हमारे देश में आधी आबादी 50% आधी आबादी को आवास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसी सोच माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो आवास का लाभ मिल रहा है, मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद खुशी अर्पित करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे हितग्राही हमारे पंचायत हमारे विधानसभा को लिया गया। बहुत खुशी उत्साहित हो रही है मुझे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।